हेलो स्टूडेंट, बहुपद के इस वीडियो में हम करेंगे कि शून्यक ज्ञात कैसे करते हैं और शून्यक और गुणांकों के संबंध की सत्यता की भी जांच करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखो क्या है, जिसको शून्यक गुणनखंड विधि से निकालने आते हैं वो गुणनखंड विधि से ही करना, जिनसे गुणनखंड नहीं होते, जो समझ नहीं पा रहे कि गुणनखंड करने कैसे हैं, बार बार प्रैक्टिस करने पर भी नहीं आ रहे, तो हम क्या करेंगे, जो द्विघात समीकरण में एक फॉर्मूला लगवाते हैं धराचार्य फॉर्मूला, उससे हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात कर लेंगे। तो देखो क्या है, जो द्विघात बहुपद होते हैं ना, वो होते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए का मान जीरो नहीं होता, ठीक है। तो इसके अंदर ना सबसे पहले मैं निकालूंगा बी स्क्वेयर माइनस चार ए सी, फिर हम निकालेंगे शून्यक। शून्यक कैसे निकालेंगे, शून्यक निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस चार ए सी बटे में दो ए। इसको कहते हैं धराचार्य फॉर्मूला। ये हम द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में लगाते हैं जब हमने मूल निकालने हैं। देखो क्या होता है, द्विघात समीकरण होती है जब बराबर में जीरो होता है, बहुपद होता है जब बराबर में जीरो नहीं लगाते। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से शून्यक निकाल लेंगे। जिनको गुणनखंड में प्रॉब्लम आ रही है वो इसी से ही करना, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद संबंध के सत्यता की जांच भी कर लेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने शून्यकों का योग भी निकाला है और शून्यकों का गुणनफल भी निकाला है, तो सत्यता की भी जांच हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। अगर सत्यता की जांच पूछिए तो ही करना, नहीं तो अकेले शून्यक निकालेंगे। देखो क्या है कि जो गुणनखंड से कर सकते हैं वो तो करना, जिनको प्रॉब्लम आ रही है बहुत, तो हम इस फॉर्मूले से कर देंगे। फॉर्मूला तो हमें याद रखना है, इस फॉर्मूले से करेंगे ना तो द्विघात समीकरण जो हमारा चैप्टर है उसके भी कुछ क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मतलब अगर वो भी आता है तो इस विधि से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो क्या है, इसको करने से पहले हम ए बी सी निकालेंगे। हमें पता है जो ए होता है ना वो एक्स स्क्वेयर का गुणांक होता है एक, और बी होता है एक्स का गुणांक यह है माइनस दो, सी होता है माइनस का आठ, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे बी स्क्वेयर माइनस चार ए सी। एक चीज दिमाग में फिट कर लो, जब भी माइनस का वर्ग करेंगे ना तो वो प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो मैंने माइनस का वर्ग किया तो प्लस, दो का वर्ग होता है चार, माइनस चार ए सी, सी का मान है माइनस का आठ, ऐसे ब्रैकेट में भर देंगे तो आ जाएगा चार, माइनस और माइनस प्लस, आठ को चार से गुना करेंगे बत्तीस, तो ये आ जाएगा चार प्लस बत्तीस मतलब छत्तीस आ जाएगा। अब देखो क्या है, हम शून्यक निकालेंगे, तो शून्यक निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस चार ए सी बटे में दो ए। यह मान रखेंगे b का मान है माइनस दो, जब माइनस भरेंगे ना यहाँ, एक माइनस पहले से पड़ा है तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस छत्तीस, बी स्क्वायर माइनस चार ए सी का सीधा मान रख दिया यहां से छत्तीस बटे में दो ए, ए का मान हमारे पास है एक, तो यह आ जाएगा दो प्लस माइनस, छत्तीस का वर्गमूल होता है छे और बटे में दो। तो अब मैं क्या लिखता हूं, यहां पॉजिटिव चिन्ह लेने पर नेगेटिव चिन्ह लेने पर, जब पॉजिटिव चिन्ह लेंगे ना तो ऊपर वाला प्लस ले लेंगे, दो प्लस छ बटे में दो, दो और छ को जोड़ेंगे आठ, आठ बटे में दो, तो ये आ जाएगा चार। नेगेटिव चिन्ह लेंगे तो आ जाएगा दो माइनस छ बटे में दो। देखो इतनी कैलकुलेशन तो करनी है कि अगर दोनों समान चिन्ह के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों विपरीत चिन्ह के हैं तो दोनों का अंतर निकालेंगे, तो छ और दो का अंतर होता है चार। चिन्ह वही लगेगा जो बड़ी संख्या के साथ लगा है, तो बड़ी संख्या के साथ यहाँ माइनस है तो माइनस चार बटे दो, तो आंसर आ जाएगा माइनस दो। ये दोनों शून्यक आ गए, ठीक है। अब इनके संबंध की जांच करते हैं, तो सत्यता की जांच पूछी है तो ही करनी है। तो पहले क्या है, शून्यकों का योग,
शून्यकों का योग होता है माइनस बी बटे में ए, तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, चार और प्लस और फिर माइनस दो रखेंगे तो चार माइनस दो माइनस बी का मान, बी का मान यहां पर है माइनस का दो, तो माइनस का दो भरेंगे तो ये प्लस का दो हो जाएगा और ए का मान हमारे पास है एक, तो ये आ जाएगा दो बराबर दो। नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं यहां निकाल लेता हूं शून्यकों का गुना या गुणनफल। इसका फॉर्मूला होता है सी बटे में ए, मतलब अब चार और माइनस दो को गुना करना है और सी का मान हमारे पास है माइनस का आठ, ए का मान हमारे पास है एक, दोनों को गुना कर देंगे तो आ जाएगा माइनस आठ बराबर माइनस आठ। तो ये सत्यता की जांच होगी, मतलब ये बराबर आ रहे हैं। इस टाइप से कर लेना तो ज्यादा इजी हो जाएगा, जो नहीं कर पा रहे ठीक है ये फॉर्मूले में रख देना, नंबर तो मिलेंगे कुछ ना कुछ तो मिलेंगे, अगर पूरा नहीं होता तो भी मिलेंगे। उस विधि में क्या होता है कि कई बार पहले स्टेप से ही गड़बड़ होनी स्टार्ट हो जाती है। आप फॉर्मूला लिखना, ए बी सी के मान रखना, बी स्क्वायर माइनस चार ए सी लगाना, नंबर मिल जाएंगे। द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में अगर ऐसा आता है तो भी सेम फॉर्मूला लिखना है, सेम तरीके से करना है, यहां तक करना है हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, एक्स की जगह एस दे रखा है, तो इसमें देखो मैं क्या करूंगा, जो एस स्क्वायर का गुणांक है वो हो जाएगा ए, ए का मान है चार, बी का मान है माइनस चार, सी का मान है एक। अब पहले मैं बी स्क्वायर माइनस चार ए सी निकालता हूं, तो जब b का स्क्वायर करेंगे ना तो माइनस का वर्ग करेंगे प्लस, चार का वर्ग करेंगे तो 16 माइनस चार ए, ए का मान चार है, c का मान एक है, तो 16 माइनस इन तीनों को गुना करेंगे तो 16 आएगा, 16 माइनस 16 जीरो। अब शून्यक निकालते हैं, शून्यक निकालने का फॉर्मूला क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस चार ए सी बटे में दो ए माइनस, बी का मान है माइनस चार, जब माइनस चार भरेंगे तो ये प्लस का चार हो जाएगा प्लस माइनस, बी स्क्वायर माइनस चार ए सी ये निकला है जीरो बटे में दो ए, ए का मान है चार, तो आ जाएगा चार बटे में आठ, ये जीरो यहां से खत्म हो जाएगा, चार को आठ से काटेंगे तो एक बटे दो। अब एक ही आ रहा है एक्स का मान, तो इसके दोनों शून्य समान होंगे, तो शून्य क्या होंगे एक बटे दो तथा एक बटे दो, क्योंकि एक ही मान आ रहा है ना, प्लस माइनस हम ले नहीं सकते, तो दोनों शून्य समान होंगे। अब हम इसमें सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच में देखो क्या है, सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है माइनस बी बटे में ए, ठीक है, तो शून्यकों का योग करेंगे तो क्या आ जाएगा एक बटे दो प्लस एक बटे दो माइनस बी का मान, बी का मान है माइनस चार, एक माइनस पहले से पड़े फिर माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ए का मान है चार, ये आधा है ये भी आधा है, हमने पढ़ा है आधा प्लस आधा एक होता है, ठीक है, नहीं तो इन दोनों के नीचे सेम है तो दोनों ऊपर वाले जोड़ देंगे दो बटे दो, तो आंसर क्या आ जाएगा एक, चार बटे चार ये भी क्या हो जाएगा एक। शून्यकों का गुना, ये फॉर्मूला होता है सी बटा ए, मतलब एक बटे दो को एक बटे दो से गुना करना है, सी का मान हमारे पास है एक और ए का मान हमारे पास है चार, तो क्या आ जाएगा दो को दो से गुना करेंगे तो आ जाएगा चार और ये भी आ जाएगा चार, मतलब एक बटे चार एक बटे चार, ये सत्यता की जांच होगी। देखो अगर प्रॉब्लम आती है ना तो ए बी सी ये हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये वाला भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, शून्यकों का योग शून्यकों का गुना, ये फॉर्मूले वहां लिख लेंगे, नंबर कुछ ना कुछ मिलेंगे। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या है कि x वाला पद ना बीच में होना चाहिए, तो देखो क्या है मैं इसको बीच में लेके आता हूं, देखो ये लास्ट में है, माइनस सात एक्स पहले लिख दिया, ये माइनस का तीन है इसको बाद में लिख दिया, a का मान आ गया छ, b का मान आ गया माइनस सात, c का मान आ गया माइनस तीन, एक्स स्क्वेयर के साथ जो संख्या है वो है a, x के साथ जो संख्या है वो है b और जो बिना x के है वो संख्या है c।
अब मैं निकालता हूं बी स्क्वायर माइनस चार ए सी, मतलब b का वर्ग करेंगे, माइनस का वर्ग करेंगे, प्लस सात का वर्ग करेंगे तो उनचास माइनस चार ए, ए का मान है छ और सी, सी का मान है माइनस तीन, तो आ जाएगा उनचास। माइनस और माइनस को गुना करेंगे प्लस, इन तीनों को गुना करेंगे, चार को छः से गुना किया चौबीस, चौबीस को तीन से गुना किया तो यह आ जाएगा बहत्तर, दोनों को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 121। ठीक है, अब शून्यक निकालते हैं। शून्यक क्या होगा, फॉर्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस चार ए सी बटे में दो ए। बी का मान माइनस सात है, ये माइनस पहले से पड़े तो प्लस का सात हो गया, प्लस माइनस 121 का वर्गमूल, बी स्क्वायर माइनस चार ए सी का मान 121 है, हम पहले ही निकाल देंगे या हम रख देंगे, दो ए का मान है छः, तो क्या आ जाएगा सात प्लस माइनस 121, 121 का वर्गमूल लेंगे तो यह आ जाएगा 11, दो को छः से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 12। ठीक है, तो पहले मैं क्या लिखता हूँ, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर नेगेटिव चिन्ह लेने पर तो क्या आ जाएगा एक्स बराबर सात, इन दोनों में से प्लस वाला चिन्ह लेने तो प्लस 11 बटे में 12, यह आ जाएगा 18 बटे में 12, इनको काटेंगे 6 से तो यह आ जाएगा 3 बटे में 2। नेगेटिव चिन्ह लेंगे तो आ जाएगा 7 माइनस 11 बटे में 12। अब देखो क्या है, ये प्लस का है ये माइनस का, तो दोनों का अंतर निकालेंगे, 11 और 7 का जो अंतर है ना वो 4 है, और बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो माइनस 4 आ जाएगा। अब 4 को 12 से काटेंगे तो आ जाएगा माइनस 1 बटे 3, तो शून्य का हमारे पास आगे 3 बटे 2 तथा माइनस 1 बटे 3। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच पहले है शून्यकों का योग, यह होता है माइनस बी बटे में ए। योग करना है तो क्या आ जाएगा 3 बटे 2 प्लस, और ये माइनस में तो ये माइनस आ जाएगा 1 बटे 3 माइनस बी का मान, बी का मान माइनस 7 था तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 7, और ए का मान है 6। ठीक है, अब ये 7 बटे 6 है और ये कट नहीं रहा, कट करके देख लेना, जिनको लघुतम लेना आता है ना वो तो लघुतम लेके हल कर देना, नहीं तो सीधा लिख देना 7 बटे 6 बराबर 7 बटे 6, इनको हल करेंगे, जिनको लघुतम लेने में प्रॉब्लम है वो सीधा लिख देना। ठीक है, नहीं तो करके दिखाना है। अब दूसरा है शून्यकों का गुना, शून्यकों का गुना है c बटे में a, तो गुना जब हम करेंगे शून्यकों का तो एक शून्यक तो है 3 बटे 2 और दूसरा शून्यक है माइनस 1 बटे 3, सी का मान हमारे पास है माइनस 3 और ए का मान हमारे पास है 6, ये 3 से 3 कटेगा माइनस 1 बटे 2, 3 से 6 को काटेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस 1 बटे 2। यहां ध्यान रखना जो लघुतम लेके हल कर सकता है वो हल कर देना, नहीं तो सीधा लिख देना। अब फोर्थ पार्ट में देखो, यहां अचर पद है ही नहीं तो हम सीधा ही करेंगे, यहां से ना कॉमन ले लेते हैं, चार कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में चार का भाग जा रहा है, यू कॉमन आ रहा है, ये रह जाएगा यू प्लस 2। तो क्या करेंगे शून्यकों के लिए, या तो करेंगे 4u बराबर 0 या फिर करेंगे u प्लस 2 बराबर 0, तो u का मान आ जाएगा 0 बटे में 4, मतलब u का मान आ जाएगा 0, या फिर u का मान आ जाएगा 2 उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ए बी सी हम यहीं पहले निकाल लेंगे, a का मान यहां पर u स्क्वायर का गुणांक 4, b का मान 8 और c अचर पद है नहीं तो c का मान 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों शून्य का आ गया, अब सत्यता की जांच, इससे पहले ऊपर लिख देंगे शून्यक, शून्य क्या है 0 और माइनस 2। सत्यता की जांच में सबसे पहले होगा शून्यकों का योग,
ये फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे में ए, फॉर्मूला याद रखना है, योग करेंगे तो जीरो माइनस दो माइनस बी का मान है आठ और ए का मान है चार। किसी भी संख्या में अगर जीरो जोड़ते हैं घटाते हैं तो वापस वही संख्या आ जाती है, मतलब माइनस दो ही आएगा, आठ में चार का भाग देंगे तो दो आ जाएगा, माइनस पड़ है। शून्यकों का गुना, शून्यकों का गुना होता है सी बटे में ए, जीरो गुना माइनस दो। सी का मान हमारे पास जीरो है, ए का मान है चार, जीरो को किसी भी संख्या से गुना करेंगे जीरो, जीरो में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो आएगा जीरो, मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है, ये सत्यता की जांच होगी। पांचवा पार्ट है टी स्क्वेयर माइनस पंद्रह, ठीक है, तो इसके शून्यक भी सीधा ही निकालेंगे, तो शून्यकों के लिए क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर रख देंगे, टी स्क्वेयर माइनस पंद्रह बराबर जीरो, टी स्क्वेयर बराबर पंद्रह, वर्गमूल ले देंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट पंद्रह, लेकिन जब भी वर्गमूल लेंगे तो एक प्लस का चिन्ह आएगा एक माइनस का चिन्ह आएगा, ए बी सी यही निकाल लेते हैं, ए का मान है एक जो टी स्क्वेयर के साथ संख्या है, बी का मान है जीरो क्योंकि टी है ही नहीं, सी का मान है माइनस का पंद्रह, ठीक है। शून्य का हमारे पास आगे अंडर रूट पंद्रह तथा माइनस अंडर रूट पंद्रह, ठीक है। अब हम करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए पहले क्या होगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है माइनस बी बटे में ए, मतलब अंडर रूट पंद्रह प्लस, और ये माइनस में है तो फिर ये माइनस हो जाएगा, माइनस अंडर रूट पंद्रह माइनस बी जीरो और ए का मान है एक, जीरो में किसी भी संख्या का भाग दो जीरो, तो ये दोनों भी कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा जीरो। शून्यकों का गुणनफल, ये आ जाएगा सी बटे में ए, मतलब अंडर रूट पंद्रह गुना माइनस अंडर रूट पंद्रह, सी का मान है हमारे पास माइनस पंद्रह, ए का मान है एक। जब भी अंडर रूट के अंदर समान संख्या होती है और गुना होता है ना तो अंडर रूट हट जाता है, तो ये आ जाएगा माइनस पंद्रह और एक से भाग देंगे तो वापस वही संख्या आ जाएगी माइनस पंद्रह। ये सत्यता की जांच होगी। इस टाइप से आपने सेकेंड चैप्टर के जो मेन क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।